भविष्यवक्ता। परमात्मा हमेशा इसराइलिन के पास भविष्यवक्ता भेजे करत रहे हैं। भविष्यवक्ता परमात्मा के संदेश का सुनने करत रहे हैं और उ मनैन का बताए करत रहे हैं। जब अहाब इसराइल में राजा रहो है वह समय एलिया भविष्यवक्ता रहो है। अहाब बहुत बुरा मनई रहो है। वह झूठा देवतान के उपासना करे के लाने मनैन का विवश करे रहो है। एक बजे से एलिया अहाब से कहिस कि उन्हीं परमात्मा दंड दे का जा रहो है। वह उनसे कहिस कि जब तक मैं फिर से बारिश होए का न कहूँ तब तक इसराइल के राज्य में न बारिश हुई और न ओस गिरी। यह बात अहाब का इतना गुस्सा दिला दईस कि वह एलिया का मारा का निर्णय लईस। यही से परमात्मा एलिया का कहिन कि ते अहाब से दूर जंगल में जाके छुप जा। एलिया तब वह सोता के पास गया जौन परमात्मा वही बताए रहे हैं। हर सुबह और शाम पक्षी एलिया के लाने रोटी और मांस लाए करत रहे हैं। यह पूरा समय में अहाब और वाखर सेना जंगल में एलिया का ढूंढत रह गए पर वही नहीं पाइन। बारिश होए से थोड़ी समय पहले के बाद वसोता सुख गौ है। तब एलिया एक थे पास के देश में चलो गौ है। वह देश में एक थे गरीब विधवा रहत रही है। ओखे एक थे बेटवा रहो है। ओखे पास खाना लगभग समाप्त हो गौ है। तबू वह एलिया के देख रेख करीस। एक बजे से परमात्मा वह विधवा के सब आवश्यकता का पूरा करी। यह कारण से ओखे आटा के पात्र और तेल की कुप्पी कभू खाली नहीं भा। वह पूरा अकाल के समय में उनके पास भोजन रहो है और एलिया कुछ साल तक उन्हें रहो। 3.5 साल के बाद परमात्मा एलिया से कहिन कि मैं फिर से बारिश करी हूँ। वो एलिया से वापस इसराइल में जाके अहाब से बात करे के लाने कहिन। 1 बजे से एलिया अहाब के पास गया। जब अहाब एलिया का देखिस तो कहिस अच्छा तया है मुसीबत पैदा करा वाला। एलिया कहिस मुसीबत तो ते पैदा करे वाले आहे। ते परमात्मा का त्याग दय हस। ऊ सच्चा परमात्मा है पर ते बाल की उपासना करते हस। अब ते इसराइल के सब मनैन का कर्मेल पर्वत में लेके आइहे। तब सब मनै कर्मेल पर्वत में गे और ऊ मनै भी गे जौन कहत रहे कि हम बाल के संदेश बोले वाले आहन। ये बाल के भविष्यवक्ता रहे हैं और सब मिला के 450 मनै रहे। एलिया ऊ मनै से कहिस कि कब तक तुम अपने मन का न फिरई हा। यदि यहोवा परमात्मा है तो उनकर आराधना करा और अगर बाल देवता परमात्मा आए तब वाखर उपासना करा। तब एलिया बाल के भविष्यवक्ता से कहिस कि एक ठी बैल का बलि करके ओके मांस का बलिदान होए के लाने वेदी में रखा पर वह में आग न लग गया और फिर महू वैसे करी हूँ और एक ठे अलग वेदी में ओखे मांस का रख दई हूँ और तब परमात्मा व माँ आग गिरई। तब तुम जान लई हा कि उ सच्चा परमात्मा है और बाल के भविष्यवक्ता एक ठे बलि का तैयार करिन और वह माँ आग न लगाइन। तब बाल के भविष्यवक्ता बाल से प्रार्थना करिन कि बाल हमार सुन। पूरा दिन ऊँ चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करिन यहाँ तक कि अपने आप का चाकू से काट लेन पर उन्हीं बाल कुछ जवाब न दईस और न आग गिरईस। बाल के भविष्यवक्ता बाल से प्रार्थना करत करत पूरा दिन बिता दईन। तब उ प्रार्थना करा का बंद कर दईन। ओखे बाद एलिया दूसर बैला का परमात्मा के वेदी में रखिस। ओखे बाद वह मनैन का तब तक पानी डाला का कहिस जब तक वेदी और लकड़ी मांस वेदी के चारों कई के भुइया गिल ना हो जा। तब एलिया प्रार्थना करिस कि हे यहोवा अब्राहम इसहाक और याकूब के परमात्मा हम ही दिखावा कि तुम इसराइल के परमात्मा आहा। यहो भी कि मैं अपनन के दास आहूँ मुझे जवाब दिया ताकि ई जान ले कि तुम सच्चा परमात्मा आहा। तब तुरंत आग गिरो और मांस लकड़ी चट्टान माटी और यहाँ तक कि वेदी के आसपास के चारों कई के पानी तक का जला देन। मनै जब यह देखिन तब भुइयां में गिर के कहाँ लगे यहोवा ही परमात्मा आए यहोवा ही परमात्मा आए। तब एलिया कहिस बाल के भविष्यवक्ता बच के जा करना चाहिए। यही से मनै भविष्यवक्ता का पकड़ के अलग ले गए और उन्हीं मार डालिन। तब एलिया अहाब राजा से कहिस जल्दी अपन घर का भाग जा कहे से कि बारिश होए वाला है। तब जल्दी ही बादल घना होएगा और भारी बारिश चालू होएगा कहे से
कि यहोवा सूखा का समाप्त करत रहे। ऐसे यह प्रगट होएगा कि यहोवा ही सच्चा परमात्मा है। जब एलिया अपन काम समाप्त कर दईस, तब परमात्मा एलिशा नाम के एक मनई का भविष्यवक्ता होए का चुनिन। परमात्मा एलिशा के द्वारा बहुत से चमत्कार के काम करिन, जेम से नमान के साथ भरव है। वह एक ठे शत्रु सेना के सरदार रहो है। उसके चमड़ी में बुरा रोग हो गया रहो है। नमान एलिशा के बारे में सुने रहो है। एक वजह से नमान एलिशा के पास आओ और वह रोग का ठीक करा के एलिशा से अनुरोध करा लगो। तब एलिशा कहिस, जा और यर्दन नदी में 7 बार जाके डुबकी लगा ले। तब नमान गुस्सा होएगा और डुबकी लगामा से मना कर दईस, कहे से कि वही लगत रहो है कि या मूर्खता के काम आए। पर बाद में जाके वह यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाईस और जब अंतिम बार वह पानी से निकलो, तब परमात्मा वही ठीक कर दे रहे हैं। परमात्मा इसराइल के मनैन के पास बहुत सारे भविष्यवक्ता भेजिन और ऊ भविष्यवक्ता मनैन का मूर्ति के उपासना बंद करने का कहिन, बल्कि उन्हें एक दूसरे का न्यायपूर्वक व्यवहार करा का चाहिए और एक दूसरे के ऊपर दया करा का चाहिए। ऊ भविष्यवक्ता मनैन का चेताइन कि बुरा काम करे का छोड़ दे और ओखे बजाय परमात्मा के बातन का पालन करा। यदि ऊ मनई ऐसा न करही तो परमात्मा उन्हें दोषी ठहरा के उनखर न्याय करही और उन्हें दंड दही। अधिकांश समय में ऊ मनई परमात्मा की आज्ञा के पालन नहीं करिन और अक्सर भविष्यवक्ता के साथ बुरा व्यवहार करिन और यहो तक कि कभू कभू उन्हें मार तक डालिन। एक बार यिर्मयाह भविष्यवक्ता का सुखान कुआ में डाल दे रहे हैं और मरा के लाने छोड़ दे रहे हैं। वह कुआ के तल में कीचड़ में धस गया है। तब राजा का उखे ऊपर दया आ गया। तब सैनिक का आदेश दईस कि यिर्मयाह के मरे के पहले वही कुआं से बाहर खींच ले। भविष्यवक्ता परमात्मा की तरफ से बुआले के जारी रखिन, भले मनई उनसे नफरत करते रहे हैं, ऊँ व मनई का चेतावनी दईन। यदि ऊँ पश्चाताप न करही तो परमात्मा उनखर नाश कर दही। ऊ मनैन का यह भी बताइन, परमात्मा उन खिलाने मसीह का भ्याजा का प्रतिज्ञा करिन है। पहला राजा अध्याय 16-18, दूसरा राजा 5 अध्याय, यिर्मयाह 38 से बाइबल की एक कहानी।